उनके साथ बैठ के हो रही, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है सर, क्योंकि चुनाव के दृष्टिकोण से बैठक बहुत मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो हमारा मंडल मिलन का कार्यक्रम चल रहा है ये बहुत सफल कार्यक्रम चल रहा है। सारे कार्यकर्ता अपनी बातें पार्टी को कैसे मजबूत करना है सुझाव दे रहे हैं, क्षेत्र में डेवलपमेंट के सारे इश्यूज को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, तमाम सारी ये बातें हम करने के पश्चात आगे बढ़ रहे हैं और उत्साह के साथ है। शिकवे शिकायत सदैव रहते हैं, जहां मनुष्य रहते हैं वहां शिकवे शिकायत किसी न किसी वजह से होते रहते हैं, लेकिन ऐसी अभी तक कोई बात ऐसी नहीं आई है जिसके कारण कार्यकर्ता निराश होकर के बैठे हैं। देखिए उनकी समस्या है और कुछ बातों को लेकर के जो हमारे समक्ष उन्होंने जो रखी है उन बातों पर विचार कर रहे हैं, और उनसे हमारा विनम्र आग्रह है कि वो हड़ताल के और इस तरह के दौर में ना जाएं, कोविड के एक बहुत बड़ा संकट है, इस संकट के क्षण में काम करें और सरकार जो संभव हो पाएगा वो करने की कोशिश करेगी। हमने उनके पक्ष को सुना है और उनके पक्ष को सुनने के पश्चात केंद्र सरकार को भी उस सारी चीज़ को बताया है, अवगत कराया है कि इसमें इस प्रकार से मदद का रास्ता कुछ निकल सकता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मनुष्य के जीवन बचाने में और सारे संकट के क्षण में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, वो काम पर लौटे। सर जब जब आप दिल्ली जाते हैं तब तब ये चर्चाएं चल पड़ती हैं कि कैबिनेट में बदलाव होगा। अभी हाल ही में आप दिल्ली गए थे तो एक बार फिर से चर्चाएं चल पड़ी हैं कि फिर से कैबिनेट में फेरबदल होगा। देखिए चर्चाएं चलाने वाले ज्यादा भूमिका आप लोगों की रहती है, कभी किसी का परिवर्तन, कभी किसी का पार्टी का परिवर्तन, कभी पार्टी में नेताओं का परिवर्तन, कभी मंत्रिमंडल में परिवर्तन, ये सारी दौर जो है वो चलते रहते हैं आने जाने में जब भी इस तरह की परिस्थितियां होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो करना होगा पार्टी को जो अपने आप निर्णय करते हैं समय उचित समय पर जो निर्णय करना वो उस निर्णय को करें। सर जिस तरह से नशीली पदार्थ यानी शराब पर जिस तरह से अभी अंकुश लगाया जा रहा है, लगातार कोई छापेमारी की जा रही है, क्या ड्रग्स माफियाओं पर भी इस तरह की कुछ सुनियोजित प्रक्रिया चलेगी सर? देखिए ड्रग्स माफिया के खिलाफ भी हमने अभियान चलाया हुआ है, वो चला हुआ है, उसको कभी रोका नहीं हमने और तेज़ गति उसको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके कारण जो शराब माफिया जो एक नेक्सस एक जिसको बोल सकते एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में जो है पिछले लंबे अरसे, ये आज की बात नहीं है, 2 महीने या 6 महीने की बात नहीं है, 4 वर्ष की बात नहीं है, और इसका इतिहास पुराना और उस इतिहास में कौन लोग हैं उन सारी चीज़ों को लेकर के उनके चेहरे भी सामने आ रहे हैं, हम इसको जड़मूल से उखाड़ना चाह रहे हैं और हम ऐसी कार्यवाही करेंगे निश्चित रूप से जो आने वाले समय में कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा, कोई माफिया जिसके कारण ऐसी परिस्थिति पैदा हो। इसी मत सर जिस तरह से आरोप आप पर लग रहा था और निकल के विपक्ष के चेहरे कुछ लोग सामने आए, फोटोबाजी की बातचीत हुई, तो आने वाला आपको नहीं लगता कि राजनेता जो है वो फोटो खिंचवाने से भी डरेंगे कि पता नहीं है किस माफिया से जुड़ा हुआ? देखिए मैं इस बात को लेकर के फोटो में कोई भी आदमी कहीं भी आ जाता, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोग आते हैं फोटो खींचना चाहते हैं फोटो खींचते हैं, लेकिन उसके बावजूद बात तो ये है कि वो पार्टी के दायित्व पर थे, पदाधिकारी थे, टिकट मांग रहे हैं वो माफिया, इस कदर नजदीक थे और इसलिए ये अलग तरह का मामला है। फोटो कोई भी किसी के साथ खींचता है, हम जाते हैं कोई आग्रह करता है फोटो खींच लीजिए, भाई ठीक है फोटो खींचना है तो खींच लीजिए, लेकिन इतना जरूर है कि किसी आदमी को पार्टी में दायित्व देना, जिम्मेवारी देना, पार्टी में उनको आगे बढ़ाना, टिकट की बात कहने लगे वो लोग, वो गंभीर मामला है। जिस बात को लेकर के हमीरपुर में भी हमने लोगों को देखा, वो चर्चा कर रहे थे कि टिकट की दावेदारी थी इनकी जो पकड़े गए। सर प्रदेश में तीसरे मोर्चे को कैसे देखते हैं, जो संभावनाएं बताई जा रही है? देखिए मोर्चे की संभावनाओं में हिमाचल प्रदेश में कभी भी उत्साह नहीं दिखा है आजकल, जितने मोर्चे बने हैं लेकिन सभी चुनावों में ज़्यादातर यही देखने को मिला है, आमने सामने मुकाबला होता, हम तैयारी उस तरह से कर रहे हैं और जहाँ कोई मोर्चे आते हैं तो
वो आ जाएं, उसमें हम उनका सामना करेंगे। सर, हिम सेवा संगठन के नाम से एक जो डॉक्टरों के एसोसिएशन आपसे मांग कर रही है, तो उनके लिए क्या ये चलो मांग की है, उनने उनके इश्यूज हैं, अलग अलग इश्यूज हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बजट सत्र गया है, आप दिल्ली से वापस आए, हालांकि आपने जवाब दिया, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के कुछ लोग तो चिंतित हैं कि इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं डाला गया, जबकि आपने भी कहा है कि नहीं ये दूरदर्शी बजट है। तमाम लोगों ने कहा कि दूरदर्शी बजट है, लेकिन वो पार्टी का काज कर रहे थे कि आवाम कहते कि साधारण व्यक्ति के लिए कुछ ऐसी बात नहीं थी इस बजट में। देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, तो मैं कह दूं कि महंगाई देश का या प्रदेश का कोई विषय नहीं आज की तारीख में रहा, ये दुनिया का विषय है, ग्लोबल इशू है ये। लेकिन इस बजट के माध्यम से जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत हुआ है, इसमें सभी चीज़ों का समाधान की दृष्टि से जो प्रयत्न प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने जो किया है वो सराहनीय है। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, और उसमें पर्टिकुलरली जो कनेक्टिविटी के नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना, चाहे वो बाय रोड कनेक्टिविटी का विषय है, चाहे वो कनेक्टिविटी का बाय एयर है, चाहे वो रेलवे कनेक्टिविटी का है, चाहे वो जल मार्ग के माध्यम से जो है उसका कनेक्टिविटी का विषय है, उस के लिए बजट का प्रोविज़न करना, उसके लिए लगातार नए इनिशिएटिव के साथ काम करना, ये एक बहुत बड़ी सुंदर पहल है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि जिससे देश का बहुत बड़ा हित होगा, स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश को भी उसका लाभ मिलेगा। और दूसरे इसके अलावा जो बाकी जो चीज़ों को लेकर के इसमें इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। पर्वतमाला एक नई एक एडिशन है इस बजट में, जिसके माध्यम से जो बॉर्डर के जो इलाके हैं जो दूसरे देश के साथ, जैसे हमारा हिमाचल का 240 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, वहाँ के लोगों को वहाँ पर गांव में रहने की सुविधा मिले, तो बेहतर सुविधा मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से देश की सीमा की रक्षा मजबूती के साथ होगी। सर, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं बजट को लेकर के कांग्रेस का मायने जाना है जी, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये बजट, देखिए उनकी व्यवस्था, वो यही कहेंगे, वो यही कहते रहे, लेकिन ये बजट जो है लोगों के दिल और दिमाग में उतरा है, लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अच्छा बजट।